सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। वीडियो के दृश्य मन को विचलित कर सकते हैं, इसलिए हमने इसे ब्लर कर दिया है। वीडियो में एक व्यक्ति कोई चीज दूर फेंकता है और फिर कुछ ही देर में आवाज होती है और वो व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है। इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सैनिकों ने एक पत्थरबाज को मार गिराया। वायरल मैसेज में लिखा है कि फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया गया। वहीं कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि हर पत्थरबाज के साथ यही होना चाहिए। इसी दावे के साथ ये वीडियो कई ट्विटर यूजर्स ने ट्वीट किया, वहीं फेसबुक पर भी ये वीडियो वायरल है। तो क्या वाकई में ये वीडियो जम्मू कश्मीर का है? वीडियो के फ्रेम को गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च करने से हमें यूएसए क्राइम की ये रिपोर्ट मिली। 8 अगस्त की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण अमेरिका के देश बोलिविया में कोका किसान और लॉस यूंगस के महिला संघ की पुलिस के साथ झड़प हुई थी। इस दौरान महिला संघ परिषद नेता के भाई प्लासिडो कोटा डायनेमाइट की स्टिक संभालते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनके बाएं हाथ और पेट में दर्दनाक चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था। मीडिया आउटलेट नोटिसियस बोलिविजन की इस रिपोर्ट की शुरुआत में वायरल वीडियो चलाया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्लासिडो कोटा के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। टीआरटी वर्ल्ड ने रिपोर्ट किया कि बोलिवियाई राजधानी में पुलिस और डिपार्टमेंटल एसोसिएशन ऑफ कोका प्रोड्यूसर्स के बीच विवाद चल रहा है, जहां कोका उत्पादक नए कोका बाजार के अवैध होने का दावा करते हुए उसे बंद करने की मांग कर रहे हैं। तो जैसा कि ऑल्ट न्यूज ने अपने फैक्ट चेक में पाया कि ये वीडियो जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि बोलिविया का है, जहां प्रदर्शन के दौरान एक कोका किसान घायल हो गया था।